हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेमीकंडक्टर का पार्ट थ्री। इस चैप्टर में आपका जितना भी सिलेबस में दिया हुआ था वो इस पे कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो कि आपका सोलर सेल के बारे में, जेनर डायोड के बारे में, और जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर थे। यहाँ पे पी टाइप लिखा हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इनके आपके ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम के साथ इसको हम समझेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल देखिए आपका क्या होता है, जो आप यह एक ऐसी युक्ति है जो आपका सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को आपका किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस सेल में क्या होता है आपका, ये कैसा दिखता है आपका, इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है, जहां पे पी क्षेत्र और एन क्षेत्र दो क्षेत्र होते हैं। पी क्षेत्र जो आपका होता है वो पतला होता है, ये आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट के टाइप में आपको इसको नोट कीजिए, समरी टाइप में मत लिखिए। तो सिंपल सा लिखिए, पहला पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट आपको ये मिला, सौर ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन सा क्षेत्र इसमें पतला होता है, तो इसमें आपका पी जो रीजन है आपका वो पतला होगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, प्रकाश के फोटोन, मतलब जो प्रकाश का एक पुंज होता है, मतलब ऐसे आपकी प्रकाश पड़ी तो इन प्रकाशों को एक जगह पर एकत्रित करके इसको बोलेंगे हम फोटोन। तो ये आपका जो फोटोन होता है वो बिना अवशोषित हुए सीधे संधि डायोड पे पहुंचता है। बीच में एक जंक्शन होता है, अभी डायग्राम में समझाता हूँ आपको, वो वहां पे पहुंचेगा आपका। फिर पी क्षेत्र को धात्विक इलेक्ट्रॉन द्वारा जोड़ा जाता है। इसको आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है कि करंट कैसे फ्लो होता है, लेकिन एक बार देख लीजिए कि पी क्षेत्र को आपका क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जोड़ा गया, जो कि आपका एनोड का कार्य करेगा। मतलब एक धातु, मतलब आपका एक मेटल पी क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है संधि के एन क्षेत्र में, मतलब जो एन टाइप था तथा पी टाइप दोनों की प्रकृति समान होती है, लेकिन एन क्षेत्र में एन क्षेत्र की मोटाई पी क्षेत्र से अधिक होती है। आपको पहले बता चुका हूँ, पी क्षेत्र जो आपका है वो पतला होगा तो एन क्षेत्र आपका मोटा होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। इसके नीचे धातु की एक और परत है जो कि कैथोड की भांति कार्य करती है। आपको पता चल गया आप एनोड कहाँ पे लग रहा है आपका, वो पी क्षेत्र के साथ में, और एन क्षेत्र के साथ में आपका क्या लग रहा है, धातु जो लग रही है वो आपका कैथोड लग रहा है। देखिए बात करें अगर डायग्राम की, तो देखिए पी टाइप का यहाँ पे आपका दिख रहा है, पी टाइप का सिलिकन है, और ये आपका बीच वाला जो दिख रहा है रेड टाइप का, ये आपका क्या है, जंक्शन है, और ऊपर आपका एन टाइप का सिलिकॉन है। तो देखिए इसमें एन टाइप का जो मैक्सिमम यूज होता है, अगर पूछा जाता है जर्मेनियम सिलिकॉन और एक दो ऑप्शन आपको और मिलते हैं, तो वहां पे आपका सीधे सीधे सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम यूज वही किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया, उसका जो एनोड और कैथोड लगाए, देखिए कैसे लगाए, इस टाइप से आपका एक धातु का तार ये रहा, एक धातु का ये रहा, तो यहां से आपके करंट फ्लो होगी। मेन मकसद होता है इसमें करंट फ्लो करना, करंट जैसे फ्लो होगी आपका बल्ब ग्लो कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जल चुका है। इस तरीके से इसकी आप रचना देखते हैं, रचना में क्या दिया हुआ है, चूंकि सोलर सेल एक प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है, बस इसमें कुछ भिन्नता होती है। सोलर सेल में पीएन संधि में पी क्षेत्र को एन क्षेत्र की तुलना में काफी पतला बनाया जाता है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें सबसे ऊपर पी क्षेत्र का अर्धचालक लगा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा है सबसे ऊपर से, जिसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, मतलब एक धातु का तार लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण को रोके बिना सीधे पी क्षेत्र अर्धचालक में पहुंचाता है। तो वो डायरेक्ट वहां पर से आपको पी में वो फोटोन को भेजेगा। पी के नीचे जो पीएन संधि लगी हुई है, एक वहां पीएन जंक्शन लगा हुआ है, जो मैंने आपको जंक्शन बताया बीच में, जिससे एन क्षेत्र का विद्युत धारा का संग्रह करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। संधि के ऊपर कांच का कवर, एक आवरण चढ़ाया जाता है, मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए चढ़ाया जाता है, ताकि पीएन संधि को कोई खराबी ना हो सके। यहां पर इतना अपना कंप्लीट होता है, उसका डायग्राम आपको बता दिया। अब कार्यविधि क्या होती है, इसकी कार्यविधि के बारे में देख लेते हैं। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन तथा गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड सिलिकॉन अर्धचालक की तुलना में काफी श्रेष्ठ है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये अगर आपको नाम दिखे सेमीकंडक्टर में सोलर सेल में, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है। जब सूर्य के प्रकाश और सौर सेल पर गिरता है, देखिए आपको जो फोटोन है अगर वो सौर सेल पर गिरा तो पी क्षेत्र को पार करके पीएन संधि तक पहुंच जाता है। वो फोटोन आपके कहां से पहुंचे, पी से पीएन पे पहुंच गए, और जो आपका डिप्लेशन लेयर है अवक्षय परत है, जो आपकी क्या है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आती है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विद्युत धारा का क्षेत्र होता है, मतलब वहां से एन से पी की ओर आपका धारा का प्रवाह होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। देखिए यहां पे देखिए एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विद्युत का प्रवाह होगा, आपसे बोला जा रहा है। एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, कितने लोगों को ये पता नहीं होती है। मान लीजिए ये एक एन है, ये पी है आपका, अगर आपसे बोला जा रहा है एन से पी की ओर धारा का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे ये आई का डायरेक्शन है, और आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कहाँ को हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत दिशा में बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, अपने करंट इधर को जा रही है, तो इस चीज को ध्यान रखिए।
हमेशा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे मूवमेंट करते हैं वो करंट के विपरीत दिशा में करते हैं, या ये बोल सकते हो जिस दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके विपरीत दिशा में हमारी करंट फ्लो होगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल सा बन जाता है कभी कभी। तो तथा शेष बचे क्वार्टर पी क्षेत्र में रह जाते हैं जो कि पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, तथा शेष बचे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में रह जाते हैं, वो इस तरह युक्ति के बैटरी की तरह कार्य करती है। सिंपल सा है, थ्योरी है पूरी की पूरी, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, इसको इतना याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको कुछ कुछ पता होनी चाहिए। जो मैंने आप इलेक्ट्रॉन वाला बोला है, प्लस आपको जो मैंने वहाँ पे एनोड और कैथोड बनाया उसका बारे में बताया, और किसका पतला किसका मोटा आपका परत होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब उपयोग की बात करें, सौर सेल से बनी सौर पैनलों में इसका उपयोग किया जाता है, आपको ये घरों में भी यूज किया जाता है कि वहाँ स्थान जहाँ पर विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता वहाँ पे इनका यूज किया जाता है, जैसे पहले से हमारे घरों पे भी ये यूज किया जाता था। उसके बाद देखिए, कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट बनाने में वहाँ पे भी बैटरी का आवेशन के लिए सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, जहाँ पे आपको इसके यूज पूछ सकता है, और उसके अलावा यहाँ पे किसका पतला और मोटा परत है वो पूछ सकता है, इसकी रचना पूछ सकता है, बीच में क्या होता है तो पीएन जंक्शन होता है बीच में आपका, उसके अलावा ये कौन से एनर्जी को किसमें चेंज करता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला आपके पास टॉपिक है जेनर डायोड। देखिए सबसे पहले बात करेंगे जेनर डायोड को, सिंबल सिंबल आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद एक चीज और नोट करेंगे, ये चीज इसमें देखिए कैसे इसको पहचानेंगे आप कि हमारा एनोड कहाँ पे और कैथोड कहाँ पे है, देखिए, या पी टाइप कहाँ पे है एन टाइप कहाँ पे है, ये बात करेंगे हम यहाँ पे सीधे सीधे। तो देखिए हमारा कैसे होता था, ये हमारा पी है ये हमारा एन है, हमेशा देखिए जहाँ पे ब्लैक साइड है वो हमारा एन साइड होगा, तो इधर पी है ये एन है, सिंपल सा तरीका ये होता है इसको पहचानने का। ब्लैक साइड जहाँ पे है वहाँ पे आपको एन साइड समझ जाना कि एन साइड है। अब देखिए हमने देखा कि फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में कैसे हम पीएन संधि को यूज करते हैं, ये सब चीजें पीएन संधि पे ही काम किया जा रहा है। हर एक जगह पे पी है आपका, एक जगह पे एन है, उसी को हम कभी रिवर्स में कभी हाई डोपिंग से कभी फॉरवर्ड में इस तरीके से उस पर हम काम कर रहे हैं और उसी से हम उसका यूज करते हैं। देखिए अब जेनर डायोड का आविष्कार ये आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है यह कोई युक्ति नहीं है, कोई अलग से युक्ति नहीं है, कोई अलग से डिवाइस नहीं है, बल्कि यह एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो डायोड में, इस विशेष गुण की खोज पहले इन्होंने की थी, जेनर नहीं की थी, इसलिए इनका काम आपका जेनर रहा। उसके बाद देखिए आगे आपको मिलेगा यहाँ से, जेनर डायोड का एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, हर चीज में हम सिलिकॉन का यूज कर रहे हैं, इस डायोड में पीएन जंक्शन अत्यधिक डोप वाला होता है, तो आपको ये चीज नोट कर लेनी है। मैक्सिमम डोपिंग किसमें की जाती है आपकी, जेनर डायोड में की जाती है। सामान्यतः जो सामान्य डायोड होते हैं रिवर्स वोल्टेज पर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पहले बता चुका हूँ कि रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर से आपका करंट फ्लो होने लग जाती है, लेकिन वो ब्रेक डाउन वोल्टेज हर कोई सह नहीं सकता। अगर हम एक डायोड है जो सामान्य डायोड है हमारा, तो उसमें अगर हम ब्रेक डाउन वोल्टेज लगाएं तो वो जल सकता है या खराब हो सकता है, तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी। इसमें क्या होगा आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको हम रिवर्स में यूज करते हैं, ये आपको बता रहा हूँ मैं, रिवर्स में इसको नोट कर लीजिए कि ये रिवर्स बायस में ही यूज होता है। तो सामान्यतः जो डायोड है वो रिवर्स वोल्टेज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन क्षेत्र में रीजन जो ब्रेक डाउन रीजन है अपना उसमें काम करने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन जेनर डायोड जो अपना है वो इसमें मजबूती से काम करता है, किसमें, रिवर्स बायस में। अब उसके बाद देखिए जो आगे आपका यहां से इंपॉर्टेंट, देखिए जो जेनर डायोड है वो एवलांच ब्रेक डाउन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। एवलांच ब्रेक डाउन आपका क्या होता है और जेनर ब्रेक डाउन आपका क्या होता है, ये भी आपको आगे समझाया जाएगा अभी। तो अभी आप इतना याद रखिए कि एवलांच ब्रेक डाउन पे काम करता है जेनर डायोड में, एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर इफेक्ट दोनों ब्रेकडाउन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों का उपयोग करके इसको रिवर्स में काम पे लाया जा सकता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन हाई वोल्टेज पर होता है एंड जेनर इफेक्ट लो वोल्टेज पर होता है, ये आप समझ गए, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बोलता है आपसे कि 7 वोल्ट पे रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो आपका कैसा होगा, वो आपका एवलांच होगा। अगर कोई बोलते 2 से 3 वोल्ट पे हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, जेनर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया। सभी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जेनर डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, मतलब मैक्सिमम किया जाता है। इस डायोड का उपयोग स्थिर पावर सप्लाई के लिए होता है, मतलब आपको एक फिक्स पावर सप्लाई देनी है, मान लो आपको 10 वोल्ट देनी है, 15 वोल्ट देनी है, कुछ भी ऐसे पावर सप्लाई देनी है, एम्पियर में देनी है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। इनका उपयोग सर्किट परिपथों में ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए भी किया जाता है, जैसे आपने इसको सेट कर दिया 15 वोल्ट पे और जैसे अपने को 16, 17, 18 वोल्ट मिलता है तो ये अपना उसको बचा लेगा, वहां पर से अपना ब्रेकडाउन कर लेगा या फिर वहां पर से अपना उस रास्ते को कट कर लेगा। अब जनरल डायोड कैसे काम करते हैं, एक जनरल डायोड जब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर रिवर्स बायस होता है
तो अब यह कुछ करंट धारा को प्रवाहित होने देता है। यदि जब रिवर्स बायस ब्रेकडाउन से ऊपर बढ़ जाता है, मतलब आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लीजिए 6 वोल्ट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर हम उसको रिवर्स की बात चलिए, यहाँ पे रिवर्स बायस की बात चलिए, अब रिवर्स में आपका क्या है 6 वोल्ट आपको दिया है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज है, अब आपने दिया उसको 4 वोल्ट, 4 वोल्ट में उसकी करंट में मान लेता हूँ 0.5 एम्पियर मान लिया, ये मैं एक ज्यादा करंट ले रहा हूँ, इतनी होती नहीं है, बहुत कम होती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 0.5 हो गया। जैसे ही आपने इसको 5 किया, 5 वोल्ट कर दिया इसको, ये 0.5 से 0.7 हो गया, जैसे आपने इसको 6 किया तो ये ब्रेकडाउन होने लग गया, तो यहाँ पर से आपका बढ़ने लग गया, मान लीजिए 2 हो गया, और जैसे आपने इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ऊपर पहुंचा दिया और 7 वोल्ट कर दिया, 7 वोल्ट जैसे करेंगे करंट बहुत अच्छी मतलब ज़्यादा बहेगी, और लगभग लगभग आपको मान सकते हैं कि जैसे 5 से 6 एम्पियर या 10 एम्पियर ऐसे बहने लग गई है। वो हर की रेटिंग के हिसाब से अलग अलग होता है, इसको आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इतना इसमें दे रही है, वो रेटिंग उसमें दी रहती है, डायोड में आपको मिलेगा, जेनर डायोड मिले चाहे आपको डायोड मिले, उसमें पूरी रेटिंग दी रहती है कि इतने वोल्ट पे इतना एम्पियर पे वर्क करेगी। तो उसके बाद बात करते हैं, कुछ करंट अगर वहां से हमारा हुआ एवलांच ब्रेकडाउन के कारण ज्यादा धारा प्रवाहित फ्लो होने देता है, इस कारण से डायोड ओवर हीटिंग होके हमेशा डैमेज हो जाता है, तो यही चीज होता है उसमें। ये आपका किसका चल रहा था, अगर ऑर्डिनरी डायोड की बात की है तब, जो हमारा सिंपल डायोड था उसकी बात करें तब हमारा वहां पे ये होता है, तो उसको हम किस में यूज करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डायोड का अगर हम यूज पूछा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डायोड अगर पूछा जाता है, सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि डायोड का यूज किस में किया जाता है, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए डायोड का यूज किया जाता है, ये आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जेनर डायोड का गुण जनरल डायोड की तरह ही होता है, पर ये कम ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं, मतलब हमारे वहां पे क्या था 6 वोल्ट था, तो ये उससे भी कम वोल्टेज के लिए ब्रेकडाउन रिवर्स में हो जाते हैं, इस वोल्टेज को जेनर वोल्टेज कहते हैं। अब उसको कैसे कर रहे हैं, अगर उससे कम हम उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे 6 में हो रहा था पिछली बार हमारा, इस बार हमारा 2 वोल्ट में ही हमारा रिवर्स में ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो इसका हम बोले कि जेनर इफेक्ट के कारण ये चीज हो रही है, जेनर वोल्टेज हमने इसमें कुछ मिला रखा है तो उसके कारण ये ब्रेकडाउन हो जाता है। एक जनरल डायोड के मुकाबले एक रिवर्स बायस में जेनर डायोड नियंत्रित ब्रेकडाउन प्रदर्शित करता है, जो धारा जो है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए आपको, कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है एक नियत होगी, एक फिक्स होगी, उसको ये शो करेगा, वह वोल्टेज को जेनर डायोड को आर पार जेनर ब्रेकडाउन के वोल्टेज के समीप रखती है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको वही चीज बोल रहा है। एग्जाम्पल देखिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक जेनर डायोड जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 3.7 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 3.7 वोल्ट के समीप ही रहता है जब जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह किया जा सके। सिंपल सा वही चीज बोला कि फिक्स वोल्टेज देता है आपको, 3.6 इसका क्या है ब्रेकडाउन वोल्टेज है, 3.7 इसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, मतलब इसको 3.7 अगर हम वोल्ट दें तो ये वहां से हमारा आउटपुट 3.7 ही देगा, वहां पर ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, वहां पर कुछ भी हमारा नुकसान नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो उसका देखिए जेनर इफेक्ट क्या होता है, सिंपल सा, यहां से आपको पूछने के लिए कुछ नहीं है, देखिए क्या होता है, रिवर्स बायस में पीएन संधि में जो उत्पन्न होता है एक ब्रेकडाउन है जो रिवर्स बायस में होता है, पीएन संधि पदार्थों में उच्च मात्रा में डोपिंग अशुद्धियों के कारण ये अच्छे सुचालक गुड कंडक्टर बन जाते हैं, ये चीज भी आपको नोट करना है कि इसमें जो डोपिंग होती है वो हाई होती है, जिसके कारण ये इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अब कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो डिप्लेशन लेयर कम होगा, क्योंकि वो आसानी से इधर उधर चले जाएंगे, तो डिप्लेशन लेयर बीच में बनने का कोई चांस नहीं रहता, बहुत पतला सा होगा। उसके बाद आगे जो आपका इस लेयर के आर पार विद्युत क्षेत्र मजबूती होता है, मतलब वही कहना चाह रहा है कि आसानी से चले जाता है, इसके फलस्वरूप कम वोल्टेज पर भी इलेक्ट्रॉन तथा होल डिप्लेशन लेयर को पार कर जाते हैं और जुड़ जाते हैं, इससे रिवर्स करंट प्रोड्यूस होती है। जेनर इफेक्ट मोस्टली उन जेनर डायोड में होता है जिनका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। सिंपल सी चीज, वही चीज जितने हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं वही चीज यहाँ पे। अब देखिए एवलांच क्या होता है, सेम चीज है, वही चीज है, जहां पे आपका वोल्टेज हाई हो जाएगा 6 से 7 वोल्ट तक पहुंच जाएगा फिर भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो आपको समझ जाना है कि अपना ये जेनर ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होगा। तो उसके लिए आपको सेम चीज वही लिखी है, क्यों हो रहा है, इतना वोल्टेज क्यों बढ़ रही है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ देता है कि क्यों इतना ज्यादा वोल्टेज देने पर हो रहा है, क्योंकि उसकी डिप्लेशन लेयर ज्यादा चौड़ी होगी, यहाँ पर अगर ज्यादा उसके होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं जो इधर उधर जाने से रास्ता को रोक रखे हैं, तो वो अगर चौड़ी होगी तो वहाँ पे आपका वोल्टेज ज्यादा अच्छी होगा। तो ये चीज उसी का सेम टू सेम उल्टा है जो आपका ऊपर जेनर डायोड में था, जेनर इफेक्ट में था। उसके बाद देखिए, जिससे तेजी से बहने लग जाते हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक फिनोमिना आपका, जैसे कि आपका 6 वोल्ट से ऊपर पहुंच जाता है या 7 वोल्ट से ऊपर पहुंच जाता है, जो आपके होल हैं और इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टूट जाते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर को जाने लग जाते हैं, मतलब इससे आपका जो
एक इसका फायदा ये होता है, 6 वोल्ट के बाद, जैसे हमने 6 वोल्ट तक हमने बात की थी जो होता है डार्क करंट होता है, जो कि आपका मिली एम्पियर में होगा। उसके बाद मान लीजिए 6 के बाद 7वें वोल्ट में सीधे 10 एम्पियर या 15 एम्पियर 20 एम्पियर कैसे पहुंच जा रहा है, क्या होता है इसमें, जो आपका ये इलेक्ट्रॉन और होल आपके डिप्लेशन लेयर पे ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे, ये टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहने लग जाते हैं। ऐसी एक एक पे 7 वोल्ट पे मान लीजिए हमने ये किया है, तो वहां पे एक ही ऐसा नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आपके होल जुड़े हुए थे वो एक दूसरे को छोड़ देंगे और यहाँ पे आपके करंट एकदम से स्टार्ट होने लग जाएगी। तो ये चीज इसमें लिखा हुआ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी 2 से 3 दिन में, आप वहां से इसको पूरा नोट करके लिख सकते हैं या अभी वीडियो को पॉज करते हुए पूरा लिखिए इसको आप। उसका देखिए, एटॉमिक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, वही चीज जो मैं बोला आपसे, इस घटना को इंपैक्ट आयोनाइजेशन कहते हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के द्वारा बहुत ज्यादा बहने लग जाते हैं और होल और इलेक्ट्रॉन के बदले एटम में आयनाइज करते हैं, जिससे डायोड का रिवर्स करंट तेजी से वृद्धि होता है। इस प्रकार की घटना को हमारा एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। तो अगर हम पूछा जाए कि करंट किसमें ज्यादा फ्लो होती है, अगर एवलांच होगी मतलब हाई वो होगा, वोल्टेज होगी, वहां पे आपका करंट ज्यादा फ्लो होगा, किसके कारण, वो आपका जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो अलग होने के कारण। अब उसके इसके अलावा इसका जो दुष्परिणाम है वो क्या है, आपका जो डायोड है वो खराब हो जाएगा जल्दी, क्योंकि वो हीट करेगा और खराब हो जाएगा। अब जेनर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स देखिए, सिंपल सी चीज है, इसको आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये आपका है जो जेनर डायोड है आपका, वो किस पे काम करेगा, ऑलवेज रिवर्स बायस पे काम करेगा, ये चीज आपको पहले बता दिया, ये आपको नोट भी करना है। उसके बाद देखिए, जब फॉरवर्ड बायस पे होता है अब देखिए फॉरवर्ड बायस पे जहां पे होगा, यहां पे आपका सेम जैसे आपका सिंपल डायोड था वैसे ही रहेगा। वहां पे भी क्या होता था, हमारा डायोड अगर फॉरवर्ड में भी रहता था तो सीधे करंट फ्लो नहीं होती थी, थोड़ा देर बाद वो अपना करंट फ्लो करने लग जाता था। तो वही चीज है यहाँ पे, देखिए 0.3 से 0.2 वोल्ट पर आपका इसने क्या कर दिया, आपका उसमें कर दिया है फॉरवर्ड वाइस में। अभी रिवर्स में देखिए यहाँ पर से, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो रिवर्स में देखिए, रिवर्स में आपका क्या हुआ, हाई वोल्टेज पे, यहाँ पे देखिए वोल्टेज ज्यादा है इसके मुकाबले में, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस आपका कम है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये थोड़ा ज्यादा वोल्टेज है इस पे आपका, इसने क्या किया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ से ये आपका इस तरीके से करंट को फ्लो करने लग गया। तो इसी का यूज यहाँ पे किया जाता है, इसी करंट का यूज करके हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। इसके एक दो पॉइंट और देख लीजिए, व्हेन फॉरवर्ड वाइज इट्स करेक्टरिस्टिक्स आर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी डायोड, जो सिंपल अपना बेसिक डायोड है वैसे इसके करेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। इट हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉल्ड जेनर वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर से देखिए बिल्कुल शार्प ब्रेकडाउन आपका हो रहा है, एक मतलब उसी वोल्टेज पे, मान लीजिए ये आपका कितना था, 3 वोल्ट था, 3 वोल्ट पे या 4 वोल्ट पे, मैं 3.5 ले लेता हूँ, 3.5 वोल्ट पे आपका ये एक शार्प ब्रेकडाउन दे रहा है, देखिए बिल्कुल एक सीध में। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, जो कि आपका बढ़ते हुए जाएगा। अब यही चीज ऊपर इसमें लिखी हुई है, तो इसको उतना बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसके इसके उपयोग देख लेते हैं, यूज कहाँ कहाँ पे होता है इसका, इंपॉर्टेंट है ये भी। सर्किट में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, वही सेम चीज ऊपर वाला हो गया आपका, लीनियर रेगुलेटर, या आपको देखिए यहाँ पे डायोड का उपयोग वेव फॉर्म को क्लिप करने के लिए किया जाता है, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कौन से चैप्टर में, आपका ईएम वाला जो वेव वाला जो चैप्टर है, इससे पहले एक चैप्टर और छोटा आपका, उस चैप्टर में आपको ये पूरा समझ में आएगा क्लिप कैसे होता है, क्या भाग क्लिप होता है। देखिए एक डायग्राम के तौर पर ऐसे समझाया था आपको, ये जैसे कि हमारा एक साइन वेव है, इसमें क्या कर देता है, इतना इतना क्लिप कर देता है या इतना इतना क्लिप कर देता है, आपको क्या मिल गया अभी, अब सिर्फ आपको इतना मिल गया, इस तरीके से इसको क्लिप कर देता है, ये चीज आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। तो ये आपको वहां पे यूज किया जाता है जेनर डायोड का। उसके बाद देखिए अगला क्या आपके पास, वोल्टेज शिफ्टर, ये भी आपको वहीं पे समझ में आएगा, अभी आपको ये नोट कर लेना है सिंपल सा। और ट्रांजिस्टर वोल्टेज स्पीकर, ये तो आपको उतना यूज का नहीं है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में होता है वहां पे यूज होता है। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज डिफरेंस में, शंट रेगुलेटर, ये भी आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको ऊपर ही वो 2-3 चीजें देखनी है। देखिए एक डायग्राम और है इसका, देखिए यहाँ पे इसको अपना नी वोल्टेज भी बोलते हैं, जो आपका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज था उसको अगर नी वोल्टेज के नाम से भी बोला जाता है। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा इस टाइप से बना के, लेकिन ये यहाँ पे इस टाइप से इसका शेप रहेगा, तो इसको नी वोल्टेज भी बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज को। यहाँ पे देखिए जो सिंपल डायोड का होता है वो अपना कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर। देखिए ये लास्ट में इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि इसमें आपके 3 जंक्शन आते हैं, मतलब 2 जंक्शन आते हैं, पी एन पी,
आप एक जंक्शन यहां बनेगा आपका, एक जंक्शन आपका यहां पे बनेगा। सिंपल सी थ्योरी है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, न्यूमेरिकल इससे बनता है, न्यूमेरिकल आपको देखना है। इसके आपको सबसे मेन चीज ये है कि इसका आपको ये देखना है कि सिंबल कौन सा है। सबसे बात करते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या। देखिए पहले देखिए, ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, इसमें आपके दो जंक्शन होंगे और तीन प्रकार के सेमीकंडक्टर होंगे। यहां पर हम 12वीं कक्षा के भौतिकी के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आपके जो लिया गया है ये 12th से ही लिया गया, तो वहां पर से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पीएनपी और एनपीएन दो टाइप के ट्रांजिस्टर होंगे आपके, सेम काम है उनका भी। देखिए दिखने का सबसे पहले पीएनपी और एनपीएन को देख लीजिए। देखिए एनपीएन को आप कैसे याद रखेंगे, सेम चीज है, एन का मतलब आप रखिए नीचे से याद, एन का मतलब नीचे, तो आपका इसका एरो कहां को है, नीचे को है। पी का मतलब आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरा आपको वैसी उसका उल्टा कर देना है। एन का मतलब नीचे आप सिर्फ इतना रखिए, पी आपको पता हो जाएगा कि ऊपर को है। सीधे आपको यहाँ पे सिंबल पूछा जाता है कि इसका सिंबल कौन सा है, तो वहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर एनपीएन दिख रहा है, एन का मतलब सीधे नीचे दिख रहा है, तो आपको नीचे वाले को टिक कर देना है। उसके बाद पीएनपी है तो आपको नीचे तो दिख नहीं रहा, सीधे सीधे ये कर देना है। अब देखिए इसमें तीन चीज होती है, बेस, कलेक्टर और इमिटर, ठीक हो गया। हिंदी में अभी बताता हूँ इनके बारे में। तो अभी ये चीजें होती है आपकी, ये चीज क्या होती है आपको दुखी? आप बात करते हैं सीधे सीधे हम पीएनपी की। ये आपका पी लगा है, ये आपका एन लगा है, ये आपका पी लगा है। जो पहला हमारा जंक्शन होगा, पहला हमारा पीएन संधि होगी, उसको हम हमेशा करेंगे फॉरवर्ड पे। फॉरवर्ड किया, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। अब इसको बोलते हैं हम इमीटर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। जो आपको समझने वाली चीजें हैं, जो आपकी काम की चीजें, सिर्फ उतना ही बताऊंगा, ज्यादा इस पर डिटेल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा जो आपको इस वीडियो में इतने में काफी हो जाएगा। पहला हमने क्या किया, फॉरवर्ड बाइस बनाया, मेन चीज होगी। दूसरा बनाया हमने इसमें रिवर्स बाइस, हमेशा याद रखना है। पूछा जाता है कि अगर बेस, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर और बेस को किस तरीके से जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो आपको डायरेक्ट वहां पे याद होना चाहिए कि एमिटर अपना ये था इधर साइड पे, बेस अपना नीचे हमेशा ही होगा, ये हमारा हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, पहली वाली जो होगी। और जो सेकंड वाला आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बेस और कलेक्टर किस तरीके से जोड़े जाते हैं, तो उसको हम बोल देंगे रिवर्स बायस में। ये चीज आपको देख ली। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, जो कार्य विधि है इसकी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं। जो करंट आपका कैसे फ्लो होता है वो दोनों में सेम होगा, आईई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होगा। तो वो चीज आपको यहां से देखने को मिलेगा। देखिए आई बी इज इक्वल टू, इसका एनपीएन का देख लीजिए पहले, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये आपका यहां पे समझा भी रखा है, जो एन और पी पहला वाला आपका है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, वो पहले भी उसी में था, अभी भी उसी में है। दूसरा जो आपका संधि है वो आपका रिवर्स बायस में होगा, सेम चीज यहां पे भी आपसे पूछा जाता है, एमिटर और बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर और बेस आपका रिवर्स बायस में होगा। अब उसके बाद बात करते हैं करंट फ्लो कैसे होगा, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। आपको उतना ध्यान नहीं देना कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं या कहां से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। आपको सिंपल सा ये याद करना है, देखिए ये करंट आपका यहां गया, ये प्लस ये हुआ, आया क्या आपका आई सी। तो आपका यहां पर से क्या आएगा, जो फॉर्मूला आपका बनेगा, इसमें आपका फॉर्मूला दिया नहीं है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, जो आईई होगा आपका, इसको आप करेंगे अगर सॉल्व, तो ये ऐसे करके दिया हुआ है, आईई इज इक्वल टू आपका आई बी प्लस आई सी होगा। अब मान लीजिए आपको कलेक्टर की करंट दी हुई है, बेस की दी हुई है, या आपको 2 एम्पियर या आपको 3 एम्पियर दिया हुआ है, तो पूछा जाता है आपको एमीटर का करंट कितना होगा, एमीटर पे करंट कितना होगा, तो एमीटर पे आपका कितना होगा, 5 एम्पियर आपका करंट होगा। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप वहां से इसको इधर डालेंगे, माइनस करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। आप इसका मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव अगले वाले जो आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, उसमें मैक्सिमम मैं क्वेश्चन इससे डालने की कोशिश करूंगा कि आपको इससे क्वेश्चन का समझ में आएगी, किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं।